नमस्ते, एचके क्रिकेट गुरु लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत और श्रीलंका के बीच तीन T20 मैचों का तीसरा मुकाबला राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया। टीम इंडिया ने इस मैच को 91 रन से जीतकर सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। भारत ने मुंबई में पहला T20 जीता था, वहीं श्रीलंका ने पुणे में दूसरे मैच में जीत हासिल कर सीरीज में वापसी की थी। लंकाई टीम अपने प्रदर्शन को राजकोट में नहीं दोहरा सकी और उसे हार का सामना करना पड़ा। भारत ने श्रीलंका को तीसरे T20 में 91 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है। उसने मुंबई में खेले गए पहले मैच में भी जीत हासिल की थी। श्रीलंका को इकलौती जीत पुणे में मिली थी। भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 228 रन बनाए। जवाब में लंकाई टीम 16.4 ओवर में 137 रनों पर सिमट गई। भारत के लिए सूर्य कुमार यादव ने 51 गेंद पर नाबाद 112 रन की पारी खेली। शुभमन गिल ने 46 और राहुल त्रिपाठी ने 35 रनों का योगदान दिया। श्रीलंका के लिए दिलशान मधुशंका ने 2 विकेट लिए। लंकाई टीम के लिए बल्लेबाजी में कुशल मेंडिस और कप्तान दसुन शनाका ने 23-23 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या, उमरान मलिक और युजवेंद्र चहल को 2-2 सफलता मिली। अक्षर पटेल ने 1 विकेट अपने नाम किया। अब दोनों टीमों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। 10 जनवरी को गुवाहाटी में पहला मैच होगा। 12 जनवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। इसके बाद सीरीज का आखिरी मुकाबला 15 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में होगा।